हेलो फेलॉज वेलकम टू फूडी नविका एंड हेयर गोज द फर्स्ट रेसिपी पोस्ट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इट हैज़ टू बी स्पेशल सो टुडे आई हैव मेड द स्पेशल चॉकलेट कॉफी ब्राउनी केक यूजिंग सम वेरी कूल इन्ग्रीडियंट्स एंड द रिजल्ट इज सुपर अमेजिंग अगर आप इसे बनाओगे तो आई एम श्योर यू विल बी लव विद द आउटकम बोथ इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड इट्स एरोमेटिक look and look at that i mean it was super soft and super super tasty let's just get started so we'll first look at the some basic ingredients that i have used uh, in making this cake so i have used some oil cocoa powder some powdered sugar by the way this is a sugar free zero calorie sugar this is maida or refined flour some toppings coffee powder baking soda baking powder a pinch of salt egg yolks and some dry fruits vanilla essence no need to worry about the uh, ingredients is so many in the description box likha hai ki aapko kitna quantity use karna hai for baking the cake so no, no need to worry about it so let's just get started with the cake so in a pan let's just take uh, some oil so i'm using about 120 ml of oil and in that put in some powdered sugar to so, yahan pe jo maine sugar use ki hai ye cook and bake zero calorie sugar hai which is a diet sugar and that is the best part about this cake why because you don't need to worry about your calories intake and then in that mixture we'll be adding two egg yolks one by one तो इसमें हमने डाला पहले एक अंडा और उसको mix करेंगे अच्छे से अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे अपना दूसरा egg yolk. लाइक दिस एंड देन इसको करेंगे अच्छे से बीट तो मेक श्योर sure आप इसे अच्छे से मिक्स करें इन ऑर्डर टू मेक इट अ स्मूथ फाइन टेक्स्चर इसके बाद हम लेंगे एक सीव या फिर छन्नी और इसमें हम डालेंगे मैदा इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकवा पाउडर तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की है देन वील एड इन सम कॉफी पाउडर then baking powder, some baking soda, a pinch of baking soda which is 1/4 teaspoon and a pinch of salt. Mix everything well and sieve it well. So make sure कि आप इसे एक बार छलनी से छान लें, so that जितने भी ये ingredients बचते हैं, just discard them away. इसको करने के बाद अब हम करेंगे इसे mix. तो so, mix करने की एक uh, ट्रिक है जैसे आप इसमें बेंट एंड देन फोल्डेड तो आपको इसी तरीके से अपना स्पैचुला यूज करना है फॉर मिक्सिंग एवरीथिंग वेल एक बार जब आपने इसको मिक्स किया तो कुछ इस तरह का टेक्सचर मिलेगा विच इज़ हार्ड तो इसमें अब आपको डालना है दूध तो ये पका हुआ दूध मैंने यूज़ किया है पूरा दूध एक बार में नहीं डालना है तो अबाउट इन मेकिंग दिस केक आई हैव यूज अबाउट वन ग्लास ऑफ मिल्क तो इसको बारी बारी से डालेंगे एक और एक स्मूथ सा टेक्स्चर एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार करेंगे समथिंग लाइक दिस तो आप देख सकते हो कि ये अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है तो कीप मिक्सिंग इट वेल बिकॉज द मोर यू मिक्स एंड द बेटर यू मिक्स तो आपका रिजल्ट उतना ज़्यादा होगा अच्छा होगा केक का तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अबाउट वन टी स्पून ऑफ़ वनीला एसेंस तो आप ये किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स using the same bend and fold method and that's it our mixture our, our batter is now ready ab hum karenge apna cake tin taiyar to iske liye pehle humne uh, lagaya kuch butter on the cake tin और इसके बाद हम इसमें use करते हैं generally parchment paper या butter paper but क्योंकि ये ख़त्म हो गया था तो इसकी another trick इफ दर इज नो पार्समेंट पेपर या बटर पेपर एट होम तो आप इस पर कुछ स्प्रिंकल करो मैदा और इसको अच्छे से मिक्स करो सो दैट यू नो मैदा स्टिक्स एवरीवेयर इक्वली ऑन द टिन एंड जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो आप डिस्कार्ड कर दो और इसके बाद हम अपना डालेंगे केक का बैटर इन द टिन अच्छे से सो दैट्स इट इवेनली प्रेस इट आप एंड अब आता है सबसे बेस्ट पार्ट जिसमें हम डालेंगे अपने टॉपिंग्स तो आप अपने इसमें फेवरेट टॉपिंग्स यूज कर सकते हो मैंने इसमें यूज़ किया है सम टूटी फ्रूटी सम ड्राई फ्रूट्स इन ऑर्डर टू कीप इट ऑन अ हेल्दियर एंड क्रंचियर साइड तो इसमें मैंने आलमंड्स एंड कैशियूज यूज किए हैं विच इज़ काजू एंड बादाम एंड देन सम चोको चिप्स बिकॉज अ चॉकलेट केक इज इनकम्प्लीट विदाउट चॉकट चिप्स सो एड इन सम चॉक चिप्स बट हाँ अगर आप इसे कम्पलीटली शुगर फ्री रखना चाहते हो तो आप चॉकट चिप्स एंड टूटी फ्रूटी स्किप कर सकते हो सो दैट्स इट नाउ इट्स टाइम टू बेक तो अब हम इसे करेंगे बेक अवन में तो अवन को मैंने प्री हीट किया है ये माइक्रोवेव कनेक्शन मोड पर वन एटी डिग्री सेल्सियस पे पहले प्री हीट किया था सो इट टेक्स अबाउट फोर टू फाइव मिनट्स फॉर प्री हीटिंग एंड वंस इट्स डन सो वील बी बेकिंग द केक टी टू थर्टी फाइव मिनट्स तो आप यहाँ देख सकते हैं एट वन एटी डिग्री सेल्सियस ऑन दोड इन अव टू मेक श्योर आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड हो तभी ये अच्छे से बेक हो पाएगा सो वील बेक इट फॉर अराउंड थर्टी फाइव मिनट्स एंड देन वील सी दूटकम सो है इट इज आर चॉकलेट कॉफी ब्राउनी केक इज कंप्लीटली रेडी सो नाओ व्हील सर्व दिस एंड मैं इसको दिखाऊंगी कि इसको आपको कैसे निकालना है तो एक नाइफ की मदद से पहले आप एक बार साइड में अच्छे से यू नो नाइफ डाल के कर लें सो दैट यू नो द केक कम्स आउट वेरी स्मूथली और यह बहुत आसानी से निकलाएगा लुक एट दैट आई मीन कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हुआ है इतना सॉफ्ट इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था ये केक एंड अगर ऊपर से जो आप ये क्रैकिंग देख सकते हो नो नीड टू वरी वाई बिकॉज इफ द इज अ क्रैक दट अ इंडिकेशन दैट योर केक इज प्रॉपर्ली बेक्ड और आप टूथ पिक डाल के भी चेक कर सकते हो इफ द केक इज बेक्ड प्रॉपर्ली तो इस क्रैक को कवर करने के लिए मैंने इस पर लगाया है एक कुछ जेम्स इन ऑर्डर टू गिव इट अ नाइस यू नो कलर्स टू द केक एंड दैट्स इट अब आएगा इसको सबसे बेस्ट पार्ट वाई बिकॉज ब्राउनी इज जनरली सर्व विद चॉकलेट सॉस बट अगर आप इसे अगेन शुद्फी रखना चाहते हो तो आप चॉकलेट सॉस स्किप कर सकते हो वाई बिकॉज टेस्ट जो केक का है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है बट ऑफकोर्स विद अ चॉकलेट सॉस इट एड्स ऑन टू इट्स टेस्ट तो क्योंकि ये न्यू ईयर केक था तो कुछ इस तरीके से आप लगाइए कैंडल्स एंड सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद द सुपर डिलिशियस केक आई मीन आई वॉज सो सुपर एक्साइटेड टू बेक दिस केक आप देख सकते हो कि आई मीन द आउटकम ऑफ द केक सो 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 सुपर गुड सो यस द केक इज़ एप्सल्यूटली रेडी टू बी सर्वड सो आप साइड से देख सकते हो कितने प्रॉपरली एंड ईवनली ये बेक हुआ है आ, टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा था आप पाउडर्ड शुगर जो मैंने यूज़ किया है शुगर फ्री उसकी जगह नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो बट हाँ पाउडर्ड शुगर यू नो मेक्स इट अ लिटिल गिल्ड फ्री सो वाई नॉट यूज़ दिस एंड मैं इसे कट करके दिखाती हूँ यह अंदर से कितना सॉफ्ट और स्मूथ बना है ब्राउनी केक So, when you are serving this, make sure you're serving this with some extra hot chocolate sauce. Mm -hmm. And look at that. It is super, super soft and spongy. And the texture has come out mm -hmm. to be really, really good. So, do try this. एंड लेट मी नो कि आपको ये केक रेसिपी कैसी लगी ट्राई दिस एट होम एंड आई एम रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स सो आल सी यू अगैन विथ सम अनादर रेसिपी इन द मीन टाइम ट्राई दिस आउट एंड मुझे बताना कैसा लगा ये सब तो फिर मिलेंगे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल फूड इन अवे काम आल सी यू अगैन बाय बाय